नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसी जानकारी लेके जिसमें अगर आपने टमाटर लगा रखा है तो टमाटर में क्या रहता है, काली टिक्की, काली डंडी, ये दो समस्या सबसे ज़्यादा मेन रहती हैं जो टमाटर फल आने के बाद जैसे ही पकना स्टार्ट होता है उस टाइम ज़्यादा आती है शिकायत। तो इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या रहता है, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो खेत के खेत आपके पूरे नष्ट हो जाएंगे। तो इस बीमारी को आने से पहले ही इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। तो रोकथाम करने के लिए इसमें क्या क्या डालना चाहिए हमें और इसकी रोकथाम कैसे करें, इसकी जानकारी मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल किसान प्रवीण राजपूत पर, और मैं आगे भी आपको नई जानकारी देता रहूँगा। अगर आप खेती करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, पर खेती नहीं करते तो आप इस वीडियो को स्किप कर जाएं। ये जो एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है किसान भाइयों के लिए बनाई है कि टमाटर में क्या है, बहुत समस्या आती है जैसे काली टिक्की, काली डंडी, तो ये मेन बीमारी है। इसी मुद्दे को लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो खेती बाड़ी करते हैं या टमाटर वगैरह करते हैं, तो ये स्पेशली उन भाइयों के लिए है, ठीक है? तो मैं आपको आपको बताने वाला हूँ उसमें इस रोग को, रोग की जो थोक रोकथाम करनी है आपने वो किस तरीके से करनी है और क्या डालना है आपने। तो बने रहिए आप अभी, क्योंकि उसकी मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा मैं कि कैसे क्या डालना है आपने इसमें जिससे आपकी ये रोकथाम बढ़िया हो जाए। तो इसके लिए बताता हूँ, एक ऐसी दवा आई है मार्केट में, बायर कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी नेटिवो नाम से आता है। तो मैं उसको बताऊंगा आपके बारे में, कितनी डोज डालनी है उसकी, कैसे लगानी है, कब लगानी है आपने, तो वो सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो चलो बताता हूँ मैं आपको, ये रहती है नेटिवो सिस्टेमिक फंगीसाइड। अगर आपने टमाटर लगा रखा है उसमें काली टिक्की की शिकायत आ रही है आपके खेत में, तो मार्केट आप जाइए, आपके नज़दीकी मार्केट में मिल जाएगी। इसकी जो डोज रहती है वो 15 ग्राम प्रति टंकी रहती है, यानी आपकी जो टंकी है 16-17 लीटर की जो भी टंकी है, तो उसमें 1 ग्राम पर टंकी के हिसाब से डाल दें आप, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, सॉरी, यानी 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम डालें, 16 की है तो 16 ग्राम डालें, यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालें इसे। अगर आपका बम्पर रिजल्ट लेना है आपने इसका, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डोज जाएगी जाएगी इसकी, ठीक है? ये बायर कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें क्या क्या टेक्निकल है, टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लोक्सी स्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में है। ये अत्यंत घुलनशील है पहली बात तो, सिस्टम में फंगीसाइड है, टमाटर में काली टिक्की, काली डंडी। इसकी जो अवस्था लगाने की वो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ, जब आपके टमाटर के पौधे में पुष्पन अवस्था यानी फूल आ रहा हो उस टाइम आपने लगानी है ये, समझ गए ना? जिस टाइम आपके पौधे पे फूल छट रहा हो उस टाइम इसका स्प्रे करें, ठीक उस स्प्रे के 14 दिन बाद इसे दोबारा रिपीट करें, क्योंकि जैसे फूल बन रहा है आपका तो 14 दिन बाद लगभग जो है फूल फल में पर कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस टाइम भी आप लगा सकते हैं। कभी कभी क्या रहता है, अगर आप लेट हो जाते हो तो टिक्की ऐसे मालूम पड़ती है, फल साहब पूरा ग्रोथ में है अपना, उस टाइम भी शिकायत आती है टमाटर पर, साइनिंग नहीं आ रही है। तो ये प्रोडक्ट लगने के बाद आपके टमाटर की जो साइनिंग है वो बहुत ही बम्पर एकदम चमकीला फल बनेगा। अगर काली टिक्की है वो ग्रोथ रुकेगी आपकी, काली डंडी पे भी ये कंट्रोल करता है। हाँ, करना सिर्फ इतना है आपने, इसके साथ में जो है एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और ले लें आप मार्केट में, जैसे COC आती है वो ले लें, या एंट्राकॉल ले लें, या कोई भी फंगीसाइड कॉन्टैक्ट वाला ले लें आप, उसकी जो डोज जाती है 50 ग्राम पर टंकी जाती है, COC आती है उसकी 50 ग्राम पर टंकी जाती है, तो साथ में आप वो ले लें। और ये जो डोज है ये 15 ग्राम पर टंकी के हिसाब से है, तो ये दोनों का आप स्प्रे कर दें। यकीन मानिए आपके जो टमाटर का खेत है उसके अंदर जो काली टिक्की की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी आपकी, और जो फल है उस पर चमक अलग ही मिलेगी। एक बार इसका प्रैक्टिकल आप जरूर करें, लगा के जरूर देखें, ज़्यादा मैंने लगाएं, अगर प्रैक्टिकल करना आपने तो एक टंकी का स्प्रे करें फर्स्ट नंबर पर, प्रैक्टिकल आपके सामने होगा, फिर आप पूरे खेत में करें जितना भी आपने लगा रखा है, फिर उस पर कर सकते हैं पूरा। ये कोई छोटी मोटी कंपनी दवा है नहीं, बायर कंपनी का प्रोडक्ट है, तो आप इसे यूज करें और अपनी खेती को नुकसान होने से बचाएं उसे में, ठीक है भाइयों? और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपने तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और किस चीज़ पे वीडियो मुझे बनानी चाहिए वो भी आपकी जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में वीडियो और सारी बनाता रहूँगा किसान भाइयों की, जो भी मेरे पास कमेंट आती रहती है। अभी भाई लोगों की कमेंट आई थी, भैया टमाटर में काली टिक्की की समस्या आती है उस पर कुछ बनाओ और हमें जानकारी दो, तो मैं उसी की खातिर ये वीडियो मैंने बनाई है आज स्पेशली,
तो इससे क्या मेरे भाइयों को अगर फायदा होता है, मेरे एक वीडियो बनाने से अगर किसानों भाइयों को फायदा हो रहा है तो मैं और वो काम मैं करूँगा, उसमें कोई दोहरी राय नहीं है। तो ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। ये